इनसाइट टीवी के साथ करीम लाशारी मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारा मौजू है ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल। ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल जो है वो तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, जिस पर बात करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसा कि देखें उनके साथ वीज़ा जो है वो रिन्यू वो मसला है, और उनके साथ जो यहाँ से जाते हैं वहाँ के भाई काम आपको ये मिलेगा, वहाँ जाकर दूसरा काम होता है, या इसके अलावा जो उनकी तनख्वाहें हैं या सैलरी है उनके मसाइल होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वो बिल्कुल की हेल्प नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो इसी बात का एतराफ़ हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी किया है, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे पाकिस्तान सफारत खाने भी इस पर काम करें और बाकी जो इदारे हैं वो भी इस पर काम करें। और आज हमारे साथ है इसी बिल्कुल मसाइल का शिकार गुलजार अहमद चांडियो साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं कि उनके साथ क्या मसला है अभी। गुलजार भाई अस्सलामुअलैकुम। गुलजार भाई ये आप बताएं कि आपके साथ अभी क्या मसला पेश आया? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए वहाँ पे दुबई में जॉब करते हुए, मुझे तकरीबन 7 साल हो गए दुबई में जॉब करते हुए, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। रिसेंटली जो मेरी प्रीवियस जॉब थी 2020 में, तो उसमें जो लास्ट मेरा जो अरबाब था जिसके साथ मैंने 3 साल काम किया, तो उसने मुझे परेशान किया ये सैलरी के मामले में। बाकी तो उसने सैलरी मुझे दी थी एंड में, जो लास्ट जो ईयर की जो सैलरियाँ थी 8 मंथ 10 मंथ की सॉरी, उनकी सैलरियाँ मुझे नहीं दी उसने। तो कितने बंदे थे पाकिस्तान में? पाकिस्तानी तकरीबन 14,40,000 बनते हैं। तो क्यों नहीं दिए उन्होंने पैसे आपको? क्या उसने कहा लॉकडाउन है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा, मेरा बेटा है वहाँ पे वो आपको पैसे देगा। फिर भी मैंने सोचा कि मैं लेबर कोर्ट जाऊँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो कुरान पाक लेके आया, उसने कहा ये देखो, वहाँ पे एक गवाह भी था जो मेरे साथ काम करता था वहाँ पे, उसकी मौजूदगी में उसने हलफ उठाया कि ये देखो इस पे तुम यकीन कर लो, मेरा बेटा तुम्हें वहाँ पे पैसे देगा, आप वहाँ पे जाओ। और मुझे वहाँ पे उसने कैश 3,000 दरम दिए, मेरे 35,000 दरम बनते थे, उसने 3,000 दरम मुझे दिए, बाकी उसने कहा तुम्हें मेरा बेटा देगा वहाँ पे पाकिस्तान में। और इसलिए फिर मैंने वो लेबर कोर्ट जाने का वो फैसला जो है वापस किया। मैंने कहा अभी कुरान पाक लेके आए, एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बशीर अहमद गुल्लू है, जो शिकार को कराने वाला है, सिंधी है, लेकिन उसका जो बेटा जो है वो भी उसके साथ ही है। उसका शिकारपुर में घर है और यहाँ पे जोहर तुलंग में उसका घर है, काफ़ी यहाँ पे बिजनेस है। तो यहाँ कितनी जायदाद है उनकी? उसकी तो और बोल भी ज़्यादा जायदाद है, उसके 7-8 फ्लैट्स हैं, 10-12 दुकानें हैं, 2-3 बंगलोज हैं, और बहरा टाउन में उसका बंगलो भी है कायद विला में। ये बताएं कि आपके साथ जब उसका वायदा हुआ या कोई रफनामा हुआ जो एक्सीडेंट बना आपका, तो उसी टाइम पे आप आपकी या उसकी उसके बेटे से कोई बातचीत हुई कि भाई ये गुलजार को आप कैसे दे देना, या आपकी बात हुई मैं आ रहा हूँ तो आप कैसे दे दूँगा? हाँ, उसकी बात हुई मेरे साथ, उसने कॉल की अपने बेटे को, उसका नाम खान मोहम्मद है, बेटे का बड़ा बेटा है उसका खान मोहम्मद, जो यहाँ पे रहता है जोहर चौरंग गुलिस्तान जोहर चौरंग में रहता है, उससे मेरी बात करी। उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप को परेशान नहीं करो, आप आ जाओ, आपको मैं पैसे दे दूँगा, आपकी जितनी अमाउंट भरती है मैं आपको दे दूँगा। और जैसे मैं आया खान मोहम्मद से मेरी मुलाकात हुई है, वो अच्छे तरीके से मिला शुरू में, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, बाद में अपना रंग दिखाते हैं। और मेरा 2-3 महीने से उसने मुझे ऐसे ही भगाया, तो बाद में मुझे उसने 9,900 रुपये दिए। मैंने कहा ये तो तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, 9,900 रुपये का क्या करूँगा मैं, मेरी इतनी अमाउंट बनती है 14,40,000, कोई बड़ी रकम है एक आम आदमी के लिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो बशीर अहमद बुल्लू है ये कोई मामूली बंदा नहीं है, जो ये आपका कफील था। हाँ, कफील होता है, हाँ, जो शिकार पकड़ा है। ये 2012-13 में इनके पास कुछ नहीं, इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। 13-14 में इनके पास ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ कैसे आ गई? यहाँ पाकिस्तान आके मुझे पता चला, इसका कोई एक रिश्तेदार था, उसने मुझे बताया कि 2013-14 में जो इसने 700 लोगों को जाली नौकरियाँ दिया पुलिस ने। अच्छा, ये पुलिस में था? पुलिस में अकाउंटेंट था, इसने कंदकोट में
700 लोगों को उसने जाली नौकरियां दी हैं, इसके साथ पूरा ग्रुप था। और दूसरी बात बताऊँ आपको कि जिसने वही ग्रुप है जिसने मौज दड़ों के जो असा से बेचे हैं ना, ये भी उसी ग्रुप में शामिल था। ये बहुत ही डेंजर बंदा है, इसका अभी वीज़ा भी ख़त्म हो चुका है इसमें दुबई में, और पासपोर्ट भी इसका ख़त्म हो चुका है, वो भी रिन्यू नहीं हो सकता। पाकिस्तान से ये ब्लैक लिस्ट है, ऐसे समझो पाकिस्तान से भागा हुआ है। यहाँ मुझे पाकिस्तान का भी पता चला, जब उसके रिश्तेदारों से दूसरे रिश्तेदारों से मैं मिला हूँ, वो सब रो रहे थे हमारे पैसे के खाके बैठा हुआ है। और यहाँ अब मुझे पता चला है, वहाँ पे मुझे एक दोस्त है उसने मुझे बताया, वहाँ पे पता चला है कि वहाँ से अभी ये भागने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ खड़ी बड़ी रह रहा है, इसका वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट जब ख़त्म हो चुका है तो वीज़ा तो नहीं बन सकता इसका दूसरा। तो अभी ओमान के रास्ते से लांचों से आने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। उसका जो कारोबार है वहाँ, तो क्या उसने बेच दिया या वो सेल कर दिया उसने? सेल कर दिया, सेल आउट कर दिया, अभी छुप के बैठा हुआ है एक कमरे में। अच्छा, इसके बेटे से कोई अभी आपका रब्ता हुआ है? अभी वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, जब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ इसकी बी उठाती है कि वो बाहर गए। उनके जब बाहर जाते हैं तो फोन तो उठा के साथ लेके जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, बोला फोन जो है ना वो घर पे छोड़ के गए। कभी इसका छोटा बेटा उठा लेता है, बोला फोन छोड़ के गए अब नहीं यहाँ, यही करके मुझे नहीं कर रहे थे। अब्दुल्ला साहब, आप पाकिस्तान में जो मुतलका इदारे हैं तो उनसे कोई आप मदद मांगेंगे ताकि आपकी हेल्प करें? किन से आप मदद मांगेंगे इस हवाले से? हाँ, मैं मदद मुझे ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ये वज़ीर-ए-आला सिंह को मैं अपील करता हूँ, वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान का वो अपील करता हूँ, और डी जी रेंजर्स है, IG सिंह है, और वो साइबर क्राइम जो है उसको मैं अपील करता हूँ कि मेरी हेल्प करें। और जो है बहुत चीटर बंदा है, इससे मुझे मेरे जो हक के पैसे, मैंने मेहनत की है, काम की है उसके पास, वो मुझे पैसे दिलवाएँ, क्योंकि मैं ही ज़रिया हूँ, मेरी फैमिली पूरी फैमिली का कमाने वाला मैं ही हूँ। और मेरी पूरी जो सैलरी 10 महीने की रुकी हुई है, तो पूरे मेरे घर का सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है 7-8 महीने से। अब अंदाज़ा लगाएं मेरे घर का काम कैसे, सिस्टम कैसे चल रहा है। सिर्फ इसी उम्मीद पे ये मुझे रकम मेरी मिल जाए तो इससे मैं कुछ अपना सिस्टम कर लूँगा, अपनी जो मेरी पूरी परेशानियाँ हैं, मेरे मसले हैं, वो मैं हल कर लूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे मेरी हक के पैसे हैं, मुझे वो मिल जाएंगे, ये मुझे दिलवाएंगे जो इदारे हैं पाकिस्तान की। और दुबई में मेरी केस फाइल की हुई है इसके अगेंस्ट, बशीर बुल्लो के अगेंस्ट की है, जो CID जो डिपार्टमेंट है दुबई में, उसमें मैंने केस फाइल किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे भाई गुलजार का मसला हल हो जाए। और ये कि इसमें हमारे जो इदारे हैं, खासकर FIA, तो उसको भी थोड़ा इस पर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा ये कि बिल्कुल हमारे जो सफारतखाने हैं वहाँ, उनको भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ताकि जितने भी मामलात हैं और इस पाकिस्तान के, तो वो हल करने में बिल्कुल उनके साथ तआवुन करें। और इसी के साथ हम आज इजाज़त चाहते हैं, और इंशाल्लाह किसी दूसरी कहानी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।